हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित। आप देख रहे हैं स्टूडेंट यार, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं इंडिया बेस्ट स्टेशनरी कंटेंट। एंड गाइज, आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं अप्सरा की तरफ से आने वाला माय बैग। तो गाइज, ये काफी अच्छा एक किट है, इसमें काफी सारी स्टेशनरी सप्लाईज है। इसका MRP 500 rupees है। एंड गाइज, आज हम इसको डिटेल में अनबॉक्स करने वाले हैं एंड हम आपको बताने वाले हैं क्या ये किट लेना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो गाइज, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। तो गाइज, इससे पहले कि हम इस वाले किट को अनबॉक्स करें, हम आपको बता देते हैं कि हम आपके लिए ऑलरेडी गाइज यहाँ पे जो क्लासमेट का किट है एंड यहाँ पे जो हमारे पास कलर अप है एंड इसके साथ जो डॉम्स का किट है, उसका रिव्यू ला चुके हैं। तो आप वो भी चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज, सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं हमारा अप्सरा का किट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा किट हमारे पास आता है। ये इस टाइप का लुक है, ट्रांसपेरेंट एक जिपर बैग दिया गया है, आगे एक छोटा पॉकेट है, पीछे हम देखेंगे तो गाइज यहाँ पे ये हैंडल्स दिए गए बैग टांगने के लिए, ऑरेंज है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, कुछ डिटेल्स मेंशन है यहाँ पे कि क्या क्या इस पैक में हमको देखने को मिलता है। MRP मेंशन है 500 rupees। ठीक है, इसके जो भी लिंक्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको, तो वहाँ से आप परचेस कर पाएंगे। ओपन करते हैं गाइज इसको यहाँ से। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो पॉकेट है इसमें कुछ भी नहीं देखने को मिलता, बस एक टैग है। इसको बंद कर देते हैं, देन ओपन करते हैं इसका मेन जिपर गाइज। तो ये मैंने इसका मेन जिपर ओपन किया। ओके, अब मैं एक एक करके इसमें से चीज़ें निकालने वाला हूँ एंड आपको बताता हूँ कि क्या क्या निकलता है इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या आता है गाइज। तो ये हमको देखने को मिला एक शार्पनर, वेरी क्यूट गाइज, बहुत ही क्यूट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, कुछ इस टाइप का शार्पनर दिखता है। इसको रखता हूँ मैं साइड में। ओके, और क्या दिखता है भाई? देन हमको देखने को मिलेगा इस कुछ इस टाइप के ऑयल पेस्टल्स। तो हमको देखने को मिलते हैं 24 ऑयल पेस्टल्स। ठीक है, इनका MRP इंडिविजुअली 80 rupees है। ठीक है, इनको टेस्ट करेंगे, रखते हैं साइड में। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है हमें इसमें? देन गाइज, हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है अप्सरा की तरफ से आने वाली प्रीमियम 8 कलर पेंसिल। ओके ग्रेट, क्या है भाई ये? क्या है, क्या प्रीमियम पेंसिल मतलब क्या? चलो इनको बाद में ओपन करेंगे, अभी साइड में रखते हैं, है ना, अभी पहले अनबॉक्स कर लें सब कुछ। ओके गाइज, तो देख दिन हमको, ओके गाइज, देन हमको देखने को मिलता है यहाँ पे अप्सरा की तरफ से आने वाले शार्पनर्स, लॉन्ग पॉइंट शार्पनर है 5 यहाँ पे, ग्रेट, काफ़ी काम आते हैं ये। ठीक है, और देखते हैं क्या है। ओके, तो गाइज यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं दो चीज़ें। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देखने को मिले वैक्स क्रेयॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैक्स क्रेयॉन है कुछ इस टाइप के, बहुत ही क्यूट सा पैक लगा यार, बहुत ही छोटा सा पैक है, क्यूट सा पैक मुझे ये लगा। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको रख देता हूँ साइड में। ठीक है, इसके पहले ऑयल पेस्टल हमें देखने को मिले थे। देन ये सेकेंड थिंग हमको देखने को मिलती है यहाँ पे, ये क्या है भाई? यहाँ पे ये है हमारे पास अप्सरा के इरेजर्स। ठीक है, तो 3 इरेजर हैं, ऑरेंज रेड एंड ब्लू कलर के, नहीं येलो ब्लू एंड रेड कलर के। ठीक है, इसको भी साइड में रखते हैं। देन हमारे पास एक रूलर है अगेन फ्रॉम अप्सरा। ठीक है, हमने एक बेस्ट रूलर पे भी वीडियो बनाया था, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, गुड। इसको भी रखते हैं साइड में। और क्या मिलता है भाई देखने को? और देखने को मिलती है हमें हमारी एक अप्सरा की पेंसिल। तो यहाँ पे हमको प्लैटिनम एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल देखने को मिल जाती है। इसका MRP इंडिविजुअली 50 rupees है। ठीक है, ओके गुड, इसके अंदर भी शार्पनर इरेजर आपको मिलेगा। ठीक है, इसको रखते हैं साइड में। अभी भी है क्या? ओके, अभी भी सामान है यार। अरे ये क्या है, इतना क्यूट सा, ये कुछ यूनिक आइटम है गाइज यहाँ पे अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? टाइडी ग्रिप, अप्सरा की तरफ से आने वाला। तो आई गेस ये गाइज एक शार्पनर है, इसको ओपन भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो डस्ट है उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो आपको ऐसा कचरा नहीं फैलाना पड़ेगा हर जगह। ठीक है, आप अपना कचरा अपने साथ रख सकते हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है ये, है ना, सब कुछ क्लीन रखना चाहिए, ग्रेट। इसको रखते हैं साइड में। देन गाइज हमें देखने को मिलती है एक मोटी सी बुकलेट, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप की बुकलेट हमको देखने को मिली। ये क्या है भाई? ये पैकेट के अंदर कुछ है क्या? ये क्या है देखते हैं, अप्सरा पीछे पलटाते हैं। ओके, DIY हाउस असेंबली इंस्ट्रक्शन। ओके गाइज, तो यहाँ पे एक इस टाइप का आप हट बना सकते हैं, इससे एक छोटी सी झोपड़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस दिए हैं जिनको कनेक्ट करके आप इसको बना पाएंगे। अरे बहुत अच्छी बात है, टाइम पास हो जाएगा इससे। देखते हैं इसको बाद में क्या है, इसको रखते हैं साइड में। देन क्या बचा? ओके, अभी भी सामान बचा है यार, ग्रेट यार। ओके, फिर हमको देखने को मिल जाती है यहाँ पे अप्सरा की तरफ से आने वाली ड्राइंग पेंसिल। तो ये कुछ ड्राइंग पेंसिल्स हैं, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली 2B 4B एंड 6B देखने को मिलेगी। अच्छी बात है, मैडम लोग हम लोग जब स्कूल में थे तो काफ़ी बार ये 2B 4B 6B स्केचिंग के लिए मंगवाया करती थी, है ना। तो ये आपके काम डेफिनेटली, आपके जो स्केच या ड्राइंग पीरियड्स होते हैं उसमें ये काम आ सकती है। इस पर भी हम डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, अलग जो अलग अलग शेड के पेंसिल होते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं गाइस। देन हमको देखने को मिल जाती है यहाँ पे कुछ
यूनिक इरेजर। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, हमारे पास अप्सरा की तरफ से आने वाली एक मैकेनिकल इरेजर है यार। ठीक है, ये कैसे काम करती है? तो यहाँ पे बेसिकली जैसे मैकेनिकल पेंसिल होती है, आपको दबाना होता है, इसमें से निकल के आ जाती है इरेजर, तो वैसे ही कुछ है। मैं आपको अभी यूज़ करके बताऊँगा इसको बाद में, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, इसको रखते हैं। ठीक है, देन गाइस क्या बचा यार, अभी भी बचा है कुछ। ओके, तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे आ जाता है अप्सरा की तरफ से आने वाला एक एवेंजर स्केटर जेल, अप्सरा एवेंजर स्केटर जेल। तो यहाँ पे कुछ ऐसा जेल पेन है। ठीक है, 0.7 mm का मुझे ये लग रहा है, देखते हैं कैसा चलता है बाद में। एंड लास्ट में हमें मिल जाती है क्या, हमारी एक स्केच बुक। तो ग्रेट गाइस, ये एक स्केच बुक मिल जाती है हमें, तो ये कुछ इस टाइप की दिखती है ना। यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल्स है, 32 pages, 25 mm, 24.5 x 17 cm का साइज है। ओके गाइस, तो बैग हो चुका है खाली एंड हमको ये सब यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इतने कुछ आइटम्स हैं जो इस किट में हमें देखने को मिलते हैं। एक बार बता देता हूँ, हमें 2 sharpeners देखने को मिलते हैं यहाँ पे विथ स्टोरेज। देन हमको देखने को मिलती हैं कुछ प्रीमियम कलर पेंसिल्स, रूलर, 2B, 4B, 6B पेंसिल। यहाँ पे एक हाउस किट, आप घर बना सकते हैं DIY। हमें देखने को मिलते हैं गाइस ऑयल पेस्टल्स यहाँ पे। ठीक है, ऑयल पेस्टल्स। देन देखने को मिलते हैं वैक्स क्रेयॉन्स, इरेजर्स, कुछ शार्पनर्स और मैकेनिकल इरेजर, एक जेल पेन, एक पेंसिल का पैकेट एंड एक स्केच बुक गाइस। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इस किट में जो यूनिक एलिमेंट्स आए हैं उनकी। तो एक बार मैं आपको शोकेस कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक मैकेनिकल इरेजर थी, तो इसमें आपको क्या करना होता है, आप जैसे इसको दबाएंगे ना तो आप देखेंगे ये इरेजर बाहर निकल जाती है। ठीक है, एंड आपको अंदर करना है तो दबा के रखिए ना, इसको पुश कर दीजिए। ठीक है, और इस टाइप को पूरा निकालना है तो आप पूरा भी निकाल सकते हैं। तो इसकी रिफिल्स भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, है ना। ये ख़त्म हो जाए तो आप उनको लेके इसमें डाल सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे आप डालेंगे तो इससे आप इरेज कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, देन गाइज यहाँ पे हमारे पास एक स्केच बुक है, इस पर हम कुछ यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रीमियम पेंसिल्स आई थी वो आप देख सकते हैं, कुछ ऐसी दिखती है। इनको ओपन करते हैं, यहाँ से पुश किया तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का ये पेंसिल बॉक्स हमें देखने को मिल जाता है। काफ़ी क्यूट पेंसिल है, एक शार्पनर अगेन इसमें है। इसकी कुछ पेंसिल से मैं शेड करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ बनाता हूँ गाइस, यहाँ पे मैंने बनाया है, मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब। ओके ग्रेट गाइस, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको यहाँ पे दबा देना है। ठीक है, एंड अच्छा शेड ये कर रही है। ठीक है, नॉर्मल पेंसिल्स हैं जैसी होती हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की पेंसिल दिखती हैं। एंड इरेजर का मैं यूज़ करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं गाइस इरेज भी हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप इरेज कर सकते हैं इसको, है ना। इसको आप ज़्यादा मत निकालिएगा नहीं तो ये टूट सकती है। ठीक है, आपको इसको थोड़ा ही निकाल के रखना है जितना आप यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल 0.5 cm बस। फिर इसको इरेज करें तो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, ओके ग्रेट गाइस, तो ये चीज़ें देख ली हमने। फिर देखते हैं गाइस यहाँ पे हमारे पास कुछ क्रेयॉन्स थे, तो ये क्रेयॉन्स देख लेता हूँ मैं कैसे हैं भाई। बड़े छोटे छोटे से जो कॉमन क्रेयॉन्स होते हैं वैसे ही हैं ये। ठीक है, तो इनसे कुछ यूज़ करता हूँ उनको मैं। ओके, इसको शेड करते हैं। तो गाइस जैसे नॉर्मल क्रेयॉन्स होते हैं वैसे ही फंक्शन कर रहे हैं, नथिंग स्पेशल। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप के क्रेयॉन्स थे इसमें, इनको भी मैं साइड में रख देता हूँ। ओके, देन गाइस हमको देखने को मिले थे यहाँ पे कुछ वैक्स, बेसिकली ऑयल पेस्टल गाइस। तो ये कुछ ऑयल पेस्टल है, इनको मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस इनको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप कुछ देखेंगे तो इस टाइप के अप्सरा के ऑयल पेस्टल्स हमको देखने को मिलते हैं। ये कैसे मिक्स होते हैं एक बार मैं इनको करके देख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑरेंज ले लिया है, येल्लो ले लिया है। तो ये मैंने कुछ कर दिया है एंड यहाँ पे मैं एक टिश्यू का यूज़ कर रहा हूँ उनको ब्लेंड करने के लिए। देखता हूँ गाइस ये कैसे ब्लेंड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस ये स्टूडेंट ग्रेड यहाँ पे हमारे पास पेस्टल्स थे। ठीक है, तो ये ठीक ठाक हद तक ब्लेंड हो जाते हैं, बेसिकली स्कूल यूज़ के लिए ये ठीक रहेंगे, है ना। एक जेल पेन भी आ जाता है हमारे पास ये, तो इससे कुछ लिख के देख लेते हैं गाइस हम इसी पेज पे। उससे मैं लिखता हूँ हेलो। ओके, तो काफ़ी स्मूथ है यार ये वाला जेल पेन। हेलो एवरीवन। ठीक है, ओके, तो गाइस पॉइंट आई थिंक ये 1 mm का पेन है ना, ये 1 mm या 0.7 तक इस पर ऐसा मेंशन नहीं है, 1 या 0.7 mm का इसका निप साइज है। तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी स्मूथ ये चला। ठीक है, ज़्यादा स्मज भी नहीं कर रहा है तो ये अच्छी बात है। और गाइस यहाँ पे ओके ये जेल नहीं है गाइस, ये ग्लिटर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको शाइन भी दिख रही है हल्की हल्की से, आई गेस आप देख पा रहे होंगे। तो एक ग्लिटर पेन है, चलो ये बहुत अच्छी बात है, एक ब्लू ग्लिटर भी इन्होंने दिया रखा है। ठीक है, देन ये शार्पनर था तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, तो इस टाइप का ये शार्पनर है। तो गाइज ये था हमारा अप्सरा किट का रिव्यू। तो यहाँ पे जो भी कंटेंट है हमने आपको डिटेल में बता दिए। अब आपको क्या ये किट लेना चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि देखिए हर स्टूडेंट की नीड अलग होती है, तो इस किट में आपको क्या क्या मिला वो हमने बता दिया। इसके बाद गाइज हमने 2 किट और भी थे जो कि ये रहे क्लासमेट
और कलर अप की तरफ से आने वाले दो नहीं, एक्चुअली दो और भी हैं हमारे पास, डॉम्स एंड लग्जर की तरफ से भी कुछ किट आते हैं, वो आपको यहाँ पे सजेशंस में भी दिख जाएंगे। तो पहले आप इनके रिव्यूज़ देख लीजिए, फिर आपके हिसाब से आपके लिए 500 रुपीज़ किस में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आप बोलेंगे तो हम इनका एक मेगा कंपैरिजन बना देंगे जिनमें हम इन सबको साथ में कंपेयर कर देंगे गाइस, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा गाइस आप मुझे कॉमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। एंड आपको एक चीज़ कर देनी है, नीचे जो लाल बटन है उसको दबा देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है गाइस। साथ ही साथ गाइस इंस्टाग्राम पे आप सब लोग काफ़ी सारे अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी डाउट है कुछ पैंट के बारे में आप पूछना चाहते हैं, कोई पैंट अटक गया है तो गाइस कोई सजेशन चाहिए तो आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट याड, वहाँ पे आप डायरेक्ट डीएम करके मुझसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे गाइस दो ऑप्शंस आ रहे होंगे, इनको भी आप, ये जो वीडियो है इनको भी आप देख सकते हैं, है ना। नीचे सब्सक्राइब का बटन भी दिख रहा है उसको भी दबा सकते हैं। मैं मिलने वाला हूँ गाइस ऐसी ही फैंटास्टिक वीडियो के साथ आपको अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।